चलते लगे लॉकडाउन के बाद से ही देश में ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मगर आने वाले समय में लोग परमानेंट तौर पर वर्क फ्रॉम होम मोड में ही काम करने का विकल्प चुनते हैं तो उनकी सैलरी में कटौती की जा सकती है। दुनिया की दिग्गज कंपनी गूगल के अनुसार ऐसे कर्मचारी जो भविष्य में वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन चुनते हैं उनकी सैलरी में कटौती का फैसला लिया जा सकता है। गूगल ने उसके ऐसे सभी कर्मचारी जो परमानेंट तौर पर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं की सैलरी में 10% कटौती करने की योजना बनाई है। अमेरिका स्थित सिलिकॉन वैली में वर्क फ्रॉम होम के तरीके और इसके तहत काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। सिलिकॉन वैली को दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के लिए ट्रेंड सेट करने के लिए जाना जाता है। बता दें कि इससे पहले फेसबुक, ट्विटर के साथ साथ रेडिट और ज़िलो जैसी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती कर चुकी हैं। ये सभी कंपनियां लोकेशन के हिसाब से वेतन तय करने वाले मॉडल को अपना रही हैं। जो लोग महंगे शहर में वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनकी सैलरी में कम कटौती हो रही है, जबकि जो लोग छोटे और सस्ते शहरों में रहते हैं उनकी सैलरी में ज्यादा कटौती की जाती है। गूगल ने जून में वर्क लोकेशन टूल लॉन्च किया था। गूगल के प्रवक्ता के अनुसार हमारी कंपनी लोकेशन के हिसाब से अपने कर्मचारियों का पैकेज तय करती है। हमारी कर्मचारी किस शहर में काम कर रहे हैं, वहाँ का रहन सहन, खान पान कितना सस्ता या महंगा है, इस आधार पर हम उन्हें सैलरी देते हैं।